नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अमर और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे 2021 मारुति एस्करो सिग्मा बेस वेरिएंट के बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको इस गाड़ी का एक कंप्लीट वॉक अराउंड रिव्यू करके दिखाऊंगा क्या क्या फ़ीचर्स आपको इस गाड़ी के एक्सटीरियर और इंटीरियर में मिलते हैं इस गाड़ी की एक शोरूम कीमत है एट पॉइंट फाइव नाइन लाख रुपीज़ और गाज़ियाबाद यूपी के अंदर इसकी ऑन रोड कीमत है नाइन पॉइंट सिक्स टू लैख रुपीज़ दोस्तों इसी वीडियो के लास्ट में मैं आपको कंक्लूड करके भी बताऊंगा नौ लाख साठ हजार रुपये के अंदर आपको इस गाड़ी का बेस वेरिएंट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए या किसी और गाड़ी पे जाना चाहिए इस गाड़ी के अंदर आपको मिलता है 1.5 लीटर का फोर सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है वन जीरो की पावर वन थर्टी का टॉर्क अगर सेफ्टी की बात करी जाए तो इस गाड़ी के अंदर आपको दो एयरबैग ए बी ब्रेक असिस्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं पास कोई भी अपनी पुरानी गाड़ी है और मार्केट में आपको उसके पार्ट्स अवेलेबल नहीं हो रहे हैं, तो आप बूडमो पे जा सकते हैं बूडमो की आपको एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगी एंड्रोय आईओएस में वेबसाइट का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और बोडमो पे जाके आप देख सकते हैं इजिली आपकी गाड़ी का जो भी वेरिएंट है वो सेलेक्ट करके जो उसका मॉडल है ये सारी चीज़ें आप इसमें ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं और सेलेक्ट करने के बाद आप अपना ऑनलाइन कोई भी अपनी गाड़ी का पार्ट घर पे मंगा सकते हैं उसके बावजूद उसके अगर आपको ये भी फैसिलिटी बूडमो अवेलेबल करता है कि अगर आपकी गाड़ी का जो आपने पार्ट मंगाया है वो उस गाड़ी में फिट नहीं हो रहा है तो आप उसमें रिटर्न भी कर सकते हैं दस दिन के अंदर तो ये सारी फैसिलिटीज आपको बुडमो में देखने को मिल जाएंगी तो देर किस बात की नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक को आप जाके चेक कीजिए बुडमो और अगर आपको कोई भी सामान मंगाना है तो आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं बूडमो के थ्रू सबसे पहले बात करेंगे इस गाड़ी के एक्सटीरियर के फीचर्स के बारे में तो फ्रंट प्रोफाइल से आप गाड़ी देख सकते हैं काफी खूबसूरत लगती है देखने में प्रोजेक्टर आपको यहाँ पे हेडलाइट्स मिलती हैं कोई भी आपको एलईडी ई वगैरह नहीं मिलते हैं गाड़ी के अंदर और क्योंकि बेस वेरिएंट है तो बेस वेरिएंट में आपको कोई भी लैंप का ऑप्शन नहीं मिलता है फ्रंट ग्रिल्स आप देख सकते हैं क्रोम इंसर्ट्स के साथ यहाँ पे दी गई हैं जो कि देखने में काफी खूबसूरत लगती हैं सेम आपको एज इट इज टॉप मॉडल के अंदर मिलती हैं फ्रंट ग्रिल्स और नीचे की साइड आपको सिल्वर फिनिशिंग में मिलती है गाड़ी के अंदर स्किट प्लेट 180 एट्टी एम एम आपको गाड़ी के अंदर मिलती है ग्राउंड क्लियरेंस तो ये सारे फ़ीचर्स थे इस गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल के अब बात करते हैं इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल के बारे में तो साइड प्रोफाइल से आप देख सकते हैं गाड़ी की जो लेंथ है वो 4300 थ्री mm हंड्रेड है जो कि काफ़ी अच्छी लेंथ है क्रॉसओवर ओवर ये गाड़ी है 215 वन फाइव बाई सिक्सटी आर सिक्सटीन आपको यहाँ पे टायर प्रोफाइल मिलती है चारों ही टायर्स में आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं दोस्तों और आप देख सकते हैं कोई भी यहाँ पर आपको व्हील कैप वगैरह नहीं मिलती हैं सिंपल आपको यहाँ पर स्टील व्हील्स मिलते हैं और बॉडी साइड क्लैडिंग आप देख सकते हैं पूरी गाड़ी के साइड में यहाँ आप पर आप आपको दी गई है साइड में भी आपको सिल्वर फिनिशिंग में यहाँ पे स्किट प्लेट दी गई है फेंडर के ऊपर आपको यहाँ पे गाड़ी के अंदर मिलता है इंडिकेटर और बॉडी कलर आपको गाड़ी के अंदर मिलते हैं ओ आर वी एम्स और बॉडी कलर ही आपको गाड़ी के अंदर मिलते हैं डोर हैंडल्स अभी बात करते हैं इस गाड़ी की बैक प्रोफाइल के लुक्स के, के बारे में दोस्तों पीछे की साइड आपको यहाँ पे रूफ में मिलता है एक पावर एंटीना और यहीं पे आपको बैक में मिलता है एक हाई स्टॉप माउंट लैम्प बैक ग्लास के अंदर यहाँ पे आपको कोई भी डिफोगर वाइपर वॉशर का ऑप्शन बेस वेरिएंट के अंदर नहीं मिलता है बिल्कुल सेंटर में आपको यहाँ पे मारुति का लोगो मिलता है हेलोजन आपको गाड़ी के अंदर मिलती है टेल लाइट्स यहीं पे नीचे आपको बैजिंग मिलती है स्मार्ट हाइब्रिड की और बैक बम्पर के अंदर आपको मिलते हैं चार रिवर्स पार्किंग सेंसर्स जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ यहाँ पे मुझे लगती है कभी कभी कंपनियाँ क्या करती हैं या तो दो रिवर्स पार्किंग सेंसर्स देती हैं या सिर्फ तीन और नीचे की साइड आपको दोनों ही साइड मिलते हैं रिफ्लेक्टर्स और बैक बम्पर में भी आपको रि... सिल्वर फिनिशिंग के अंदर मिलती है स्किड प्लेट अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में उससे पहले मैं आपको दिखाता हूं इसकी की बेस मॉडल में ही आपको रिमोट सेंटर लॉकिंग का ऑप्शन मिलता है दोनों ही कीज़ में आपको यहां पे सेंटर लॉकिंग मिलती है और दो आपको मिलते हैं इसके अंदर बटन लॉक अनलॉक करने के सबसे पहले बात करते हैं ड्राइवर साइड डोर के बारे में और दोस्तों आप देख सकते हैं कंप्लीट यहाँ पे आपको ब्लैक फिनिशिंग में मिलता है गाड़ी के अंदर इंटीरियर चारों ही पावर विंडोज़ के यहाँ पे आपको कंट्रोल्स मिलते हैं डोर लॉक अनलॉक ओ आर वी एम्स को आप यहाँ से इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं जो ड्राइवर साइड डोर है यहाँ पर आपको ऑटो डाउन करने का भी ऑप्शन दिया गया है और नीचे की साइड आपको यहाँ पर मिलता है बोटर होल्डर का स्पेस डोर पॉकेट का स्पेस बट आपको यहाँ पर कोई भी स्पीकर वगैरह जो है वो देखने को नहीं मिलता है ये इस गाड़ी का इंटीरियर है जो कि कंप्लीट ब्लैक कलर में आपको यहाँ पे दिया गया है कुछ जगह पे आपको सिल्वर इंसर्ट्स देखने को मिलते हैं दोस्तों और जो गाड़ी की फ्रंट की सीट है यहाँ पे आपको दोनों ही सीट्स में मिलते हैं एडजस्टेबल हेडरेस्ट और लम्बा सपोर्ट भी आप देख सकते हैं सीट का साइज़ भी काफ़ी अच्छा है बट आपको बेस वेरियंट के अंदर हाइट एडजस्टेबल सीट करने का ऑप्शन नहीं मिलता है बेस वेरियंट से ही यहाँ पर आपको डेड पैडल जो है वो गाड़ी के अंदर दिया गया है जो कि काफ़ी हेल्पफुल होता है जब आप गाड़ी ड्राइव करते हैं ट्रैफिक के अंदर या कहीं पर भी मेन बात आती है अब इसके और चीजों के बारे में तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं ड्राइवर के राइट हैंड साइड में यहाँ पे आपको नीचे की साइड दिया गया है हेडलाइट लेवलर यहीं पे आपको एसी वेंट मिलते हैं चारों साइड एसी वेंट का आपको सिल्वर फिनिशिंग मिलती है आइडियल स्टार्ट स्टॉप का भी यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है गाड़ी के अंदर कोई भी आपको यहाँ पे स्टेयरिंग के अंदर कंट्रोल्स जो है वो नहीं मिलते हैं ड्रिल्ट एडजस्टेबल ये स्टेयरिंग है और ये है इस गाड़ी की एनालॉग एम डिस्प्ले जिसके अंदर आपको लेफ्ट हैंड साइड पर आरके मीटर मिलता है राइट हैंड साइड पर स्पीडो और स्पीडो के अंदर ही आपको छोटा सा फ्यूल मीटर दिया गया है सेंटर में एक डिजिटल डिस्प्ले दी गई है जिसके अंदर आप एवरेज फ्यूल इकोनॉमी ट्रिप ए ट्रिप बी जैसे फीचर्स देखते हैं और आप देख सकते हैं दोनों ही साइड आपको ये नोब्स दी गई हैं इस एम के लिए ये इस गाड़ी का फ्रंट डैशबोर्ड है यहाँ पे आपको कोई भी म्यूजिक सिस्टम का ऑप्शन नहीं मिलता है नीचे आपको गाड़ी के अंदर मिलता है मैनुअल ए और यहीं पर आपको दिया गया है एक ट्वेल्व वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट तो बेस वेरियंट के अंदर आपको ब्रेजा के अंदर तो म्यूजिक सिस्टम मिलता है लेकिन एसक्रोस के अंदर आपको नहीं मिलता है फाइव स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ यहाँ पे आपको गाड़ी देखने को मिलती है दो यहाँ पे आपको कप होल्डर्स का स्पेस दिया गया है रियर में आपको दिया गया है एक वन लीटर की बोतल रखने के लिए स्पेस बेस वेरिएंट में कोई भी आमरेस्ट वगैरह आपको नहीं मिलता है अब मैं आपको दिखाता हूँ इस गाड़ी का ग्लोब बॉक्स तो काफ़ी डिसेंट साइज का यहाँ पर आपको गाड़ी के अंदर मिलता है ग्लोब बॉक्स और यहीं पर आपको अच्छी चीज़ ये है कि बेस वेरियंट में ही आपको दोस्तों देखने को मिलते हैं फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स जो कि काफ़ी अच्छा फीचर है ड्राइवर साइड आपको कोई भी यहाँ पे ग्रैब हैंडल्स नहीं मिलते हैं को ड्राइवर साइड आपको दोस्तों यहाँ पे काफ़ी बड़े साइज़ का वैनिटी मिरर मिलता है कोई भी लाइट वगैरह तो इसके अंदर नहीं है और ड्राइवर साइड आपको सिर्फ मिलता है टिकट होल्डर का स्पेस ऊपर रूफ़ में अगर बात करी जाए और फीचर्स की तो यहाँ पर आपको दो हेलोजन लाइट्स मिलती हैं जो कि काफ़ी अच्छी रोशनी देती हैं मैनुअल आपको गाड़ी के अंदर मिलता है आई रात के टाइम ये भी काफ़ी हेल्पफुल होता है अभी चलते हैं इस गाड़ी की रियर सीट पे और मैं आपको दिखाता हूँ कि रियर सीट पे आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं और कितना स्पेस यहाँ पे दिया गया है रियर डोर भी आपको कंप्लीट ब्लैक कलर की फिनिशिंग में मिलता है ये इस गाड़ी का डोर ओपनर हो गया पावर विंडोज़ हो गई और देख सकते हैं आप जो फिनिशिंग है नॉर्मल फिनिशिंग है नीचे आपको सिर्फ मिलता है बॉर्डर होल्डर का स्पेस डोर पॉकेट वगैरह का कोई भी स्पेस आपको यहाँ पर नहीं मिलता है बात करी जाए अगर इस गाड़ी की रियर सीट की बेस तो वेरिएंट में ही आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट रेस्ट यहाँ पे रियर सीट पे दिए गए हैं जो कि काफी अच्छी चीज है और रियर सीट पे भी अभी आपको मैं बैठ के दिखाता हूँ कि कितना स्पेस मिलता है ड्राइवर साइड सीट मेरी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट है मेरी हाइट पांच फुट ग्यारह इंच है तो मेरी हाइट के सेम बंदे आगे पीछे बैठ सकते हैं फ्रंट की जो सीट्स हैं उसके रियर में आपको यहाँ पे मैगजीन होल्डर भी दिया गया है तो नी रूम लेग रूम में कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी का जो व्हील बेस है वो काफी बड़ा है रियर में दोस्तों यहाँ पे आपको कोई भी चार्जिंग सॉकेट का ऑप्शन नहीं मिलता है ना ही आपको कोई भी यहाँ पे ऐसी वेंट मिलते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे निराश करता है कम से कम एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट तो देना चाहिए रियर सीट पे भी आपको दोनों ही साइड रूफ में मिलते हैं फोल्डेबल ग्रेब हैंडल्स और यहीं पर आपको कोट होल्डर हुक भी दिया गया है और सेंटर में आपको रूफ में यहाँ पे एक हैरोजन लाइट मिलती है तो जब आप रियर पे बैठते हैं तो ऐसी कुछ आपको यहाँ पे फिनिशिंग मिलती है गाड़ी के डैशबोर्ड की अभी चलते हैं गाड़ी के बूट की तरफ और मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना बड़ा बूट स्पेस यहाँ पे आपको ऑफर किया गया है एसक्रोस के द्वारा थ्री सेवेंटी फाइव लीटर्स का आपको यहाँ पे बूट स्पेस मिलता है गाड़ी के अंदर कोई भी पार्सल ट्रेन नहीं मिलती है दोस्तों यहाँ पे और आप देख सकते हैं जो रियर की सीट है वो आप यहाँ से पहचान सकते हैं कि सिक्सटी फोर्टी स्प्लिट में भी आप इनको फोल्ड कर सकते हैं कुछ एक्स्ट्रा स्टोरेज भी आपको गाड़ी के लेफ्ट और राइट साइड पर यहाँ पर दी गई है अच्छी चीज़ ये है कि जो इसका बूट का ये आप देख सकते हैं जो मैट है वो बिल्कुल लेवल में है गहराई में नहीं है जो कि काफ़ी हेल्पफुल होता है सामान रखने में उठाने में अगर बात करी जाए इस गाड़ी के स्पेयर व्हील की तो सेम प्रोफाइल का आपको स्पेयर व्हील मिलता है टू वन फाइव बाई सिक्सटी आर सिक्सटीन जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है तो अभी करते हैं बूट को बंद और कंक्लूड करते हैं इस वीडियो को तो सबसे मेन बात निकल के ये आती है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं क्योंकि सेम इसी बजट के अंदर आपको मारुति की तरफ से ब्रेज़ा का वी एक्स आई वेरियंट भी ऑफर किया जाता है और काफ़ी सारे फ़ीचर्स भी आपको उस गाड़ी के अंदर मिलते हैं बट अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको ज़्यादा स्पेसियस गाड़ी चाहिए जिसके अंदर आपको थोड़ा ज़्यादा स्पेस मिले अच्छा बूट स्पेस मिले बिल्ड क्वालिटी भी उसकी थोड़ी अच्छी हो इंटीरियर से भी उसकी क्वालिटी थोड़ी ब्रेजा से अच्छी हो तो मुझे लगता है कि फिर आपको एसक्रोस के बेस वेरिएंट की तरफ़ जाना चाहिए सिवाय म्यूज़िक सिस्टम के इस गाड़ी के अंदर और सारे फीचर्स हैं तो म्यूज़िक सिस्टम आप मुश्किल से तीस से पैंतीस हज़ार रुपये में भी इंस्टॉल करा सकते हैं चाहे आप शोरूम से कराएं चाहे आप बाहर से कराएं उसके बाद ये गाड़ी भी परफेक्ट कम्प्लीट हो जाएगी मतलब कि दस लाख रुपये के बजट के अंदर कम्प्लीट गाड़ी हो जाएगी अब मेन बात यह है दोस्तों कि अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा स्पेसियस गाड़ी चाहिए ज़्यादा अच्छा रिफाइन इंजन चाहिए अच्छी बिल्ड क्वालिटी चाहिए तो 10 लाख रुपए के अंदर आपको ये गाड़ी पेट्रोल में उठा लेनी चाहिए आपकी ये डील कहीं से लेके कहीं तक भी गलत नहीं साबित होगी और अगर आप एसक्रोस का पेट्रोल के अंदर टैंक टू टैंक माइलेज टेस्ट देखना चाहते हैं या आप इस गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू देखना चाहते हैं तो ऑलरेडी वीडियो अपलोड है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक दे दूंगा फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो में यही सब बातें थी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए मिलते हैं अगली वीडियो में वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच